जाति को लेकर वो कमेंट करते हैं, गलत कमेंट वो करते हैं। हम तो उसको पॉजिटिव वे में बता रहे हैं कि भैया तुम जाति को गलत बोल रहे हो, लेकिन हमारी जाति कम नहीं है। अदरवाइज हम जाति के खिलाफ हैं, जातिवाद के खिलाफ हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो कॉन्सेप्ट है, हम इसके विदलित में बाबा साहब सिर्फ एक थे और जो पढ़ लिए और पढ़कर पूरे देश को बदल दिया। पूरा देश बाबा साहब के कानून पर चलता है। इनफैक्ट बाबा साहब ने कानून ही नहीं बनाया, बाबा साहब ने देश की दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को विकसित करने की साधन बनाए। बाबा साहब की वजह से RBI चलता है। बाबा साहब की वजह से बाबा साहब ने 3 बांधों का निर्माण किया। बाबा साहब की कॉन्सेप्ट है, बाबा साहब की विचारधारा पे। बाबा साहब ने इंश्योरेंस पॉलिसी बाबा साहब लेके आए इस देश के अंदर। बाबा साहब महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी के दौरान छुट्टियों का प्रावधान बाबा साहब ने किया, 8 घंटे की नौकरी का प्रावधान बाबा साहब ने किया। बाबा साहब ने बहुजन दलितों के लिए ही कुछ नहीं किया, ये नहीं दलितों के लिए करके या दोबारा सत्ता में आने का फिर दोबारा से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये केवल संख्या में मुट्ठी भर है और अगर ये फूट डालो की नीति को नहीं अपनाएंगे तो ये सत्ता में दोबारा नहीं आएगी। BSP पार्टी है, BSP पार्टी में थोड़ा उतार चढ़ाव आया है, लेकिन ऐसा नहीं है 2024 में BSP पार्टी फिर मजबूती से आएगी। हो सकता है 2024 में हम अपना ही प्रधानमंत्री देश को देने का काम करेगी। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। मैं आज दिल्ली में मौजूद हूँ। दिल्ली में बहुजन एकता आयोजन को लेकर एक सम्मेलन किया गया है। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है। पहले हम जानेंगे किस प्रोग्राम को करने का उनका प्रयास किया रहा। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, मेरा नाम नौफिल त्यागी है। जी जी सर, आज़ादी के इतने बाद आपको बहुजन एकता का ख्याल क्यों आया? बस ये इसलिए आया कि बहुजन समाज एकता से समाज जागरूक होगा जी, और समाज में एकता बनेगी, एकता से मजबूती आएगी जी, संविधान मजबूत होगा जी। लेकिन आप संविधान मजबूत के लिए यहाँ पे एकजुट हो रहे हैं, सरकार तो हिंदू राष्ट्र बना रही है। सरकार क्या, सरकार तो संविधान विरोधी हो रही है। हाँ। बाकी हम संविधान के साथ है, संविधान के मजबूत बनाएंगे, संविधान के हिसाब से काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया, आप तो मुस्लिम है खुद, मुसलमान समाज क्या दलितों के साथ आया? जी, मुसलमान समाज दलितों को साथ मिलना चाहता है। हाँ। और मिलकर चलना चाहता है। मुझे सरकार तो धार्मिक आडंबरों को लेकर, सांप्रदायिक दंगों को लेकर भड़का रही है और आप लोग भड़क रहे हैं। नहीं, कुछ लोग हैं ऐसे जो समझ नहीं पाते, वो भड़क जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये तो चाह रही है कि दंगे हों। हाँ। और मुस्लिम और बहुजन आपस में झगड़े लड़े। हाँ। बाकी ऐसा नहीं होगा, सब समाज सुधर रहा, समझ रहा है। हाँ। इसकी नीतियों को सब जान रहा है। देखिए, मेरे साथ युवा भी हैं कुछ। सर, कैसे देखते हैं आप उन तस्वीरों को? हमारे युवा जो है, देश का यूथ जो है, वो झंडा लहरा रहा है मस्जिदों के ऊपर, डंडा उठा रहा है और RSS की शाखा ज्वाइन कर रहा है, और दूसरी ओर आप बहुजन एकता पे यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए मैडम, आज का जो युग है वो शिक्षा का युग है। अंधविश्वास, पाखंड, इन सबसे ऊपर आज युवा चल रहा है। इनफैक्ट हमारे जो पिछली पीढ़ी गई है, उन्होंने भी हमें बहुत शिक्षित किया है इसके बारे में। और लेकिन यदि जो लोग अंधविश्वास या पाखंड को लेके अभी भी उनको फॉलो कर रहे हैं, जिनको उनके ऊपर चल रहे हैं, वो शिक्षित हैं, लेकिन वो सिर्फ किताबी शिक्षित, उनको व्यावहारिक ज्ञान या असलियत उनको पता नहीं है। जब तक वो वैज्ञानिक सोच से नहीं लाएंगे अपने अंदर, जब तक वो इन्हीं में पड़े रहेंगे, मंदिर मस्जिद इन्हीं चीज़ों में वो उनका चलता रहेगा। हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें किताबी ज्ञान के साथ साथ एक तार्किक सोच भी रखनी चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अब हमें दो लोग हमें आके भड़का देते हैं कि भैया जाओ वहाँ पर मंदिर में ये आग लगा दिया, वहाँ पर जाके झगड़ा कर लो। उधर मुस्लिम के लोग बोलते हैं भैया मस्जिद में वो कर दिया है, जाके झगड़ा। लेकिन वो कर कौन रहे हैं, उसके पीछे किन लोगों का हाथ है, ये सोचना बहुत जरूरी है। जिन लोगों का हाथ है, सबसे पहले उनको खड़ा करना चाहिए कि जाओ भैया, तुम सबसे पहला आगे हो, लड़ो पहले तुम, उसके बाद जब हम आएंगे। और उसमें सच्चाई भी देखनी चाहिए कि उसमें सच्चाई है कितनी। ये सिर्फ एक राजनीतिक और मतलब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराने का सबसे बड़ा फ़ायदा किसको है? जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट चल रही है, सबसे बड़ा फ़ायदा उसी को है, क्योंकि वो आए तो इसी मुद्दे से। जिसका काम ही तोड़ना है देश के अंदर, उसने शुरुआत किससे करी? 1990 में शुरुआत की, तोड़ने से, देश को तोड़ने से। अरे, एक मस्जिद को तोड़ के तुमने साबित क्या कर लिया? सिर्फ दो समुदाय में दुश्मनी पैदा कर ली। और आज भी वही चल रहा है, उसी पे ही दोबारा सरकार बनने जा रही है, बन चुकी है UP के अंदर। फिर 2024 की तैयारी ये कर रहे हैं, कभी ज्ञानवापी मस्जिद, कभी कुछ। तो ये सब बहुत बड़ा पाखंड है, इससे निकलने की बहुत जरूरत है। एजुकेशन, शिक्षा, ये बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इन 3 मुद्दों को हम उठा लें, इन 3 मुद्दों पर हम चल दें, सब कुछ सही हो जाएगा।
बाबा साहब देखो जो ये प्रोग्राम आज यहाँ पे हुआ है, ये प्रोग्राम महीने दो महीने में इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, जिससे क्या होता है कि लोग आपस में सब मिलते हैं, एक दूसरे के विचार जानते हैं तो सच्चाई पता चलती है। जब तक हम लोग नहीं मिलेंगे, खासकर बहुजन समाज नहीं मिलेगा, और बहुजन समाज के साथ कैसे कैसे आप कह रहे हैं कि गैदरिंग होनी चाहिए, ऐसे प्रोग्राम का आयोजन करना चाहिए, लेकिन हमारे लोग ही जातियों में उपजातियां खोज के विभाजित हैं। ये तो बहुत दुर्भाग्य है ना हमारा। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा होना बहुत जरूरी है, ये अनपढ़ों का काम है। ये जो लोग जाति एक तरफ तो ब्राह्मणवाद विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं और दूसरी ओर हम द ग्रेट चमार लिख रहे हैं, तो बदलाव कहाँ से आएगा? देखो यार, अपने आप को ग्रेट कहने में कोई बुराई नहीं है, क्यों ना कहें हम अपने आप को ग्रेट। जाति को लेके तो हम साथ चल रहे हैं। जाति देखो, जाति को हम साथ नहीं लेके चल रहे हैं, हम ये पर्टिकुलर बता रहे हैं कि हम भी कम नहीं है भैया, हम भी ठीक ठाक हैं, ग्रेट हम भी हैं, हमने बहुत योगदान दिया देश को यहाँ तक पहुँचाने में। जाति को लेकर वो कमेंट करते हैं, गलत कमेंट वो करते हैं, हम तो उसको पॉजिटिव वे में बता रहे हैं कि भैया तुम जाति को गलत बोल रहे हो, लेकिन हमारी जाति कम नहीं है। अदरवाइज हम जाति के खिलाफ हैं, जातिवाद के खिलाफ हैं। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो कॉन्सेप्ट है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हमें सिर्फ एक बाबा साहब का एक कहना है, सिर्फ मानवता, हम उस मानवता से बड़ा कोई भी कॉन्सेप्ट इस दुनिया में नहीं है। बुद्ध भगवान ने जो दिया है मानवता का कॉन्सेप्ट, उससे बड़ा कोई कॉन्सेप्ट दुनिया में नहीं है। और शिक्षा, जिसकी वजह से बाबा साहब सिर्फ एक थे, सोचो दलित में बाबा साहब सिर्फ एक थे और जो पढ़ लिए और पढ़कर पूरे देश को बदल दिया। पूरा देश बाबा साहब के कानून पर चलता है। इनफैक्ट बाबा साहब ने कानून ही नहीं बनाया, बाबा साहब ने देश के दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को विकसित करने की साधन बनाए। बाबा साहब की वजह से RBI चलता है, बाबा साहब की वजह से बाबा साहब ने 3 बांधों का निर्माण किया, बाबा साहब के कॉन्सेप्ट पे, बाबा साहब की विचारधारा पे। बाबा साहब ने इंश्योरेंस पॉलिसी बाबा साहब लेके आए इस देश के अंदर। बाबा साहब महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी के दौरान छुट्टियों का प्रावधान बाबा साहब ने किया, 8 घंटे की नौकरी का प्रावधान बाबा साहब ने किया। बाबा साहब ने बहुजन दलितों के लिए ही कुछ नहीं किया, ये नहीं दलितों की किया है, उनके लिए लड़े जरूर हैं, लेकिन पूरे देश के लिए बाबा साहब एक समुदाय के नेता नहीं है, बाबा साहब पूरे देश के संरक्षक रहे हैं। देखिए, बाबा साहब ने जो काम किए उन्होंने कुछ गिनवाए, और पूरे मैं तो कहूँगी इस भारत की जो संरचना है वो बाबा साहब ने ही निर्माण किए, भारत की जो दृष्टि है वो बाबा साहब ने ही बदली है, वरना हमारे गले में आज भी गले में हांडी पीछे झाड़ू होती। अगर हम संविधान नहीं पढ़ते, अगर हम शिक्षित नहीं होते, तो शायद मैं आपके सामने सवाल नहीं कर रही होती, शायद मैं लोगों से बातचीत नहीं कर रही होती। तो सर, कैसे देखते हैं जिस तरीके से वर्तमान समय में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जातिवाद हो रहे हैं, घोड़ी चढ़ने पर लोगों को मार दिया जाता है, मूछ रखने पर लोगों को मार दिया जाता है, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बहुजन एकता की? देखिए, जो वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार इन्होंने अपनी उससे पहले वाली चीज़ों को वापस लाने के लिए इस तरह वर्ण व्यवस्था में इन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस तरह का वो अपना पाखंड बनाया था, और भाई शूद्रों को इनकी सेवा करने के लिए छोड़ दिया था। बाबा साहब ने जब वोट का अधिकार 1818 से लेकर 20 तक का वो जब वोट का अधिकार दिया गया था, तो उसमें बाबा साहब ने ये कहा था भाई, जब वो मिस्टर गांधी एंड कंपनी, उनकी कंपनी मिस्टर गांधी एंड उनकी कंपनी, जब उन्होंने कहा था कि भाई केवल देश में उन लोगों को ही वोट डालने का अधिकार मिलेगा जिन लोगों के पास कम से कम BA एजुकेशन हो, संपत्ति हो, तो उन्हें ही मिलेगा। बाबा साहब इस पर अड़ गए थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, बाबा साहब ने कहा था ऐसा नहीं होगा, वोट का अधिकार सबको मिलेगा। ये जो भारत में भाई हमारा जो शूद्र है, जो SC ST OBC जो आज के समय में SC ST OBC है, वो शूद्र उस समय पे शूद्र कहला जाता था, कि जो वो है हमारे लोग तो आज भी वही अनपढ़ है, इतने उनके पास साधन संसाधन नहीं है, तो वो कहाँ से वो दे गए, तो उनका वो पास हुआ, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया। अब इन्होंने अपनी प्रक्रिया को, जो उनकी प्रक्रिया थी वो चेंज कर दी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने कास्टों में बांट दिया, और कास्टों में बांट के जो हमारे SC ST OBC के जो और माइनॉरिटी के जो भाई हैं उन्हें आपस में लड़ाने का ये काम कर रहे हैं, ताकि इन्हें हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया जाए और इन्हें मुस्लिमों के खिलाफ कर दिया जाए। इस तरह से करके ये दोबारा सत्ता में आने का फिर दोबारा से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये केवल संख्या में मुट्ठी भर है, और अगर ये फूट डालो की नीति को नहीं अपनाएंगे तो ये सत्ता में दोबारा नहीं आ सकते। अब ये उसी
जो व्यवस्था थी उसी पर चल रहे हैं, अपने आप को ताकतवर बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा जो SC ST OBC यानी कि जो बहुजन समाज है वो बहुत नीचे पायदान से उठ करके बहुत ऊपर आया है। अगर इन्होंने अपनी ताकत को 10% बढ़ाया है तो बहुजन समाज ने अपनी ताकत को 1000 गुना बढ़ाया है। बहुजन ताकत इतनी बड़ी है। देखिए, पहले हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था बाबा साहब की बदौलत। हम संख्या की बात करें सर, बहुजन समाज तो राजनीतिक तौर पे पिछड़ गया है। नहीं, राजनीतिक तौर पे यह है, ठीक है, वो थोड़ा सा भाई उतार चढ़ाव चलता है, यह उतार चढ़ाव है। हिंदुत्व का इन्होंने जो एजेंडा अपनाया है उस एजेंडे को देखते हुए, उस एजेंडे से राजनीति का जो थोड़ा सा खेल था वो उतार चढ़ाव हो गया है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। उतार चढ़ाव आता है। अभी भाई हमारे यहाँ हमारी BSP पार्टी है, BSP पार्टी में थोड़ा उतार चढ़ाव आया है, लेकिन ऐसा नहीं है 2024 में BSP पार्टी फिर मजबूती से आएगी। और हो सकता है 2024 में हम अपना ही प्रधानमंत्री देश को देने का काम करेंगे। क्या बोलेंगे उन दर्शकों को जो हताश होकर, निराश होकर, राजनीतिक हार मानकर घरों में बैठ गए हैं? नहीं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, अगर परिवार होता है, घर होता है, उतार चढ़ाव सब में आता है, घबराने की कोई बात नहीं है। हम पहले भी मजबूत थे, हम आज भी मजबूत है, और 2024 में हम पुनः पूरी तैयारी के साथ तैयारी कर रहे हैं, और 2024 में हम बहुजन समाज पार्टी का नेता आपको PM के रूप में देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमने लोगों से बातचीत की। लोग यूनाइट होने के लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा, शिक्षित होने के लिए आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, और सरकार वही काम नहीं कर रही है। सरकार मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला लगाने का प्रयास कर रही है, और आपको शिक्षा से दूर रखने का वो सारा षड्यंत्र रच रही है कि सरकार को पता है कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सरकार अपनी आलोचना से डरती है, सरकार सवालों से डरती है, क्योंकि सरकार जो है लगातार इस तरीके की चालबाजी करती है, और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान कराती है, दलित उत्पीड़न कराती है, महिलाओं के साथ कास्ट एट्रोसिटी कराती है। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी? क्या वाकई में बहुजन समाज को यूनाइट होने की ज़रूरत है? ST SC OBC माइनॉरिटी को अब एकजुट होने की ज़रूरत है, तभी शायद हम तानाशाह सरकार के खिलाफ, तानाशाह सरकार में बैठे जो लोग हैं, प्रशासन में मौजूद जो लोग हैं, उनके खिलाफ शायद हम एकजुट होकर शायद जंग जीत पाए, शायद हमारे बच्चे भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी पहुँच कर शायद संसदों की कुर्सी तक पहुँच पाएँ। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और ऐसी लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।